मित्रों जय माता दी, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि शारीरिक कमजोरी वाले लोगों को कोरोना जल्द ही अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसके साथ ही जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है उन्हें कोरोना का खतरा ज़्यादा होता है। ऐसे में जरूरी है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे, इसलिए अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नेचुरल तरीके से बनाया गया काढ़ा पीकर अपना इम्यूनिटी आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपके सेहत के लिए काढ़ा बनाने की विधि व काढ़ा बनाने की एकदम आसान विधि लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो में आपके सेहत को ध्यान में रखते हुए काढ़ा बनाने की एक आसान विधि लेकर आए हैं, जिसे पीकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले काढ़ा बनाने से पहले काली मिर्च का पाउडर, अदरक, मुनक्का, 5 से 6 तुलसी के पत्ते और आधा चम्मच इलायची का पाउडर इकट्ठा करके एक बर्तन में 2 ग्लास पानी डालें। फिर इनमें तुलसी का पत्ता, इलायची पाउडर, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का डालकर अच्छे से मिला लें और इसे लगभग 15 मिनट तक उबाल लें। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें और हल्का गुनगुना होने के बाद इसे छानकर दिन में 2 या 3 बार पीने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है।